पति पत्नी से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी बात का ऐसा जवाब दे, पत्नी पति से एक्सपेक्ट करती है कि वो ऐसा क्यों नहीं करता, और पूरी जिंदगी उनके झगड़ों में चली जाती है, वो एक्सपेक्ट करता है। बाबा लेकिन आप जैसा आपका पति है उसको एक्सेप्ट करो ना। हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो गया है, फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बोलती है, पेशेंस की इतनी कमी हो गई है हम लोगों के अंदर कि किसी ने जरा सी बात बोली नहीं, हमारे अकॉर्डिंग हुई नहीं, कि हम लोग अपना आपा खो देते हैं। किसी की बात कंप्लीट होने से पहले हम अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बहुत अजीब सी दुनिया हमारे सामने बार बार दिखती है, जहां पे लोग अपना गुस्सा अलग अलग रूप में किसी के ऊपर निकालते हैं, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बिजनेसेस हो। लोगों को अपनी बात मनवाने का, अपने आप को सही ठहराने का एक शौक सा, जुनून सा चढ़ गया है। क्या दूसरे की बात सुनना, दूसरे के शूज में पैर रखना, दूसरे की सिचुएशन को समझना जरूरी नहीं रह गया है? क्या हम लोग इस कदर इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि भगवान के दर्जे से भी ऊपर चले गए हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं? गुस्सा ऐसा रहता है कि कुछ छींक भी मार दे तो उस पर भी गुस्सा अब हमें आ जाता है कि तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। पहलू किसी का सुनना और अपना रखना दो अलग बातें हैं। ऐसी फ्रस्ट्रेशन मुकेश जी क्यों आ रही है लोगों के जीवन में, जबकि जो जिंदगियां हम लोग आज से 50 से 100 साल पहले जीते थे, जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, एयर कंडीशन ऑफिसेस नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, मोबाइल्स नहीं होते थे, गैजेट्स नहीं होते थे, ईमेल्स तो दूर की बात है, डाक भेजना भी बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता था। आज जब सारी दुनिया इतने करीब आ गई है, इतने पास आ गई है, तो फिर भी हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? आज जब गीता, उपदेश, सदगुरु जैसे हमारे जितने महान गुरु हैं और जितने भी अच्छे प्रीचर्स हैं, जो नेट के ऊपर आके हमें जगह जगह पेशेंस रखने के संदेश देते हैं, एक मोबाइल गैजेट के ऊपर है, तब भी हम लोग अपनी पेशेंस खो रहे हैं, तब भी हमें सही गलत का मापदंड पता नहीं चल रहा, बट हर किसी को हम सही साबित करने में लगे हुए हैं। मैं मुकेश जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में भी, आपके परिवार में, दोस्तों में, इवन आपके फैंस फॉलोइंग में, लोग आपको निरंतर शिकायतें करते होंगे, आपकी कंपनी में भी झगड़े करते होंगे, क्यों ये झगड़ा बढ़ता जा रहा है? क्यों हम लोग प्यार से नहीं रह पाते हैं? क्यों हम लोग इतनी दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, दूसरों के जीवन में रोड़े खड़े कर देते हैं? आप अपना कुछ नजरिया इसमें मेरे को बताओ कि आप जब ऐसी सिचुएशंस को देखते हो या फेस करते हो, तो आप उनसे कैसे अपने आप को निकालते हो, या आप कैसे किसी को गाइड करते हो? क्योंकि ये जानकारी, ये नजरिया लोगों की बहुत मदद करेगा अपने जीवन को शांति से, खुशहाल और पेशेंस से जीने में। तुम्हारे सवाल का ये जवाब है कि आज इतना कुछ भी होने के बाद भी हमारे इतने प्रगति में बढ़ चुके हैं, हमारे पास इतनी गैजेट्स आ गए हैं, हमारी इतनी सुविधाएं आ गई हैं, गाड़ियां हैं, प्लेन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, इसके बाद भी इंसान क्यों गुस्से में आ जाता है, क्यों वो नहीं अपने आप को संभाल पाता? तो देखो हर्षित, एक और श्लोक बताऊंगा महाभारत का, क्रोधात भवति सम्मोह। जब क्रोध होता है तो होता है, उससे मोह पैदा होता है, मोह से आदमी की धीरे धीरे जो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर वो नष्ट हो जाता है खुद। ये हाल है हमारे इंडस्ट्री का, हमारे इंडस्ट्री छोड़िए, पूरे इस वक्त के पूरे माहौल का यही है कि लोग जल्दी गर्म हो जाते हैं, लोग गुस्से करने लग जाते हैं। रीजन शायद यही है कि हर आदमी क्यों सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं सामने वाला वो सोचे, जो मैं सोच रहा हूं मैं इसलिए सोच रहा हूं कि मैं इस घर में पैदा हुआ हूं, मैंने ये पढ़ाई की है, ऐसे बड़े लोगों के साथ उठा बैठा हूं, इसलिए मेरी सोच ये है। सामने वाला आदमी कहीं और जगह पैदा हुआ है, कहीं और दोस्तों के बीच पढ़ा हुआ है, उसकी शिक्षा कहीं और हुई है, किसी और धर्म का है शायद वो, इसलिए वो बोलता है। पर एक बहुत ही मानव की सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि वो चाहता है कि सामने वाला वही जवाब देवे जो वो एक्सपेक्ट करता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अरे तुम समझते नहीं मेरी बात को। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी बात का ऐसा जवाब दे, पत्नी पति से एक्सपेक्ट करती है कि वो ऐसा क्यों नहीं करता, और पूरी जिंदगी उनके झगड़ों में चली जाती है, वो एक्सपेक्ट करता है। बाबा लेकिन आप जैसा आपका पति है उसको एक्सेप्ट करो ना, जैसी आपकी पत्नी है उसको आप एक्सेप्ट करो। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि वो है, मैं हूं, वो मैं नहीं बन सकता, या वो मैं नहीं बन सकती, तो वो जिस दिन आ जाएगा, तो आई थिंक सबसे बड़ा कारण गुस्से पे आने का
फ्रस्ट्रेशन का होने का यही है कि हर बंदा अपने आप को राइट समझता है, और जब वो सामने वाला उसको जब झूठा ठहराता है या रॉन्ग ठहराता है तो खड़ा हो जाता है, वो अपने आप को डिफेंड करता है, कभी कभी रॉन्ग डिफेंड करता है, लेकिन डिफेंड करता है, नहीं मैं इसलिए ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, सारा एनर्जी उसमें चली जाती है। लेकिन अगर वो सोचे कि क्यों सामने वाला आदमी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ तो कारण होगा, एक नहीं 10 आदमी ने मेरे को ऐसा बोला, जिस दिन वो सोचेगा तो वो शायद अपने आप को सुधारेगा। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, दूसरों को सुधारना छोड़ो, खुद को सुधारो। दूसरों को सुधारने के बदले में आप देखो कि आपके अंदर कौन से माइनस पॉइंट से उसको आप उजागर करो, तो आप औरों से ऊपर चले जाओगे। हमारा 90% टाइम जाता है दूसरों को आलोचना करने में। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो मशहूर है, मेकअप मैन भी मेकअप करते 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 मतलब देखा आपको मालूम है वो ऐसा उसने किया, उसने ऐसा कर रही थी, वो ऐसा बोल रही थी, वो ऐसा बोल रही थी, अरे आप मेकअप करो ना। पर ये ह्यूमन का माइंड है, उसको मजा आता है किसी के बारे में गॉसिप करना। तो जिस दिन ये दूसरों की बुराई देखने के बदले अगर हम खुद भी देखना शुरू करें तो आई थिंक ये वर्ल्ड पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं होता। आज हर राष्ट्र का प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को अपनी बात कहना चाहता है, चाइना अपनी बात कहना चाहता है, इंडिया अपनी बात कहना चाहती है। अगर आप अपने अपने मुल्क में रहकर अपने अपने ही पॉजिटिव पॉइंट करने लगो, किसी की बुराई मत करो। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये दूसरों को क्रिटिसाइज करना अगर आदमी छोड़ देवे, दूसरों की बुराई निकालना अगर छोड़ देवे, दूसरों से आर्ग्यूमेंट करना छोड़ देवे, तो उसकी एनर्जी का 90% उसको एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। हमारा सारा काम सारा झगड़े में चला जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं। और मैंने ये महसूस किया, खुद भी महसूस किया, जब आदमी गुस्सा होता है आप महसूस कीजिएगा, जब आप एंग्री होते हो तो आप अपना नुकसान ज्यादा करते हो सामने वाले को। सामने वाला तो आपकी बात सुनेगा, डेफिनेटली वो वर्ड्स लगते हैं, जो शब्द होते हैं उसकी मार चाकू से भी ज्यादा होती है, वो उसको लग रही होगी। लेकिन आप जब गुस्सा होते हो, जैसे कि गीता में भी कहा है उसको, आप सम्मोहित हो जाते हो। सम्मोहित के बाद में आपको धीरे धीरे भ्रम हो जाता है, आपकी दृष्टि आपकी वो गुस्से में आप अपने आप को आपक हो, जैसे वर्ड आपक हो जाना, तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप देखो जब आप गुस्सा होते हो उस वक्त आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आप धीरे धीरे लाल हो जाते हो आपके फेस में, क्योंकि आपके अंदर का इम्यून सिस्टम आपके पूरे ब्लड को लेकर आता है आपके चेहरे पर, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल आपका एड्रेनलिन बढ़ जाता है अंदर से। आप देखो तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं, वो सामने वाले आदमी के लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार करता है, उसको लगता है अच्छा आप किसी से लड़ना चाहते हैं, तो हमारा सिस्टम मैकेनिज्म चेंज करता है, बटन दबाता है, और धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे चीजें आपके हाथों में ताकत आ जाती है, पैरों में ताकत आ जाती है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। लेकिन उसके विपरीत आपके अंग प्रत्यंग जो है रुक जाते हैं, आपके जो नॉर्मल सिस्टम है वो 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए उसको रोक देता है, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए दूसरे अपने का लड़ने के लिए, मारने के लिए, भागने के लिए। तो वो पॉइंट स्ट्रेस का होता है। तो इसीलिए जब आदमी गुस्सा होता है तो वो स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आता है तो खुद का नुकसान करता है। वो 3 मिनट 4 मिनट का गुस्से के बाद आप खुद बैठोगे ना तो आपको लगेगा आपकी सांस चढ़ी हुई है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप थोड़े से विचलित हो। तो मैंने ये बात सीखी है कि गुस्सा करना छोड़ दो। बहुत डिफिकल्ट बात है कि गुस्सा तो आएगा ही, कि आजकल की जिस तरह से चीजें लोग बिहेव करते हैं उसमें गुस्सा तो आ ही जाता है, लेकिन इतना कुछ सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य की ये कमजोरी है हर्षित, कि तुम कहते हो कि सब गैजेट्स अवेलेबल है, सब चीजें सुविधाएं की अवेलेबल है, हम कहां से कहां 500 साल पहले के 50 साल में जो हमारा प्रगति किया वो शायद 500 साल में नहीं किया, फिर हम खुश क्यों नहीं है? खुश इसलिए नहीं है कि अभी भी हर आदमी अपने आप को सिकंदर समझता है। जिस दिन वो अपने आप को सिकंदर समझना छोड़ देगा, वो खुद एक अपनी आत्मा है उस पर काम करेगा, तो मैं समझता हूं लोग एक दूसरे पर गुस्सा होना छोड़ देंगे। तुम्हें कुछ कहना तो तुम कहो इसी बारे में। बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सब लोग अपने आप को सिकंदर समझते हैं, और ऑडियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे की एक एग्जिस्टेंस है, दूसरे की एक इच्छा है, दूसरे की एक सोच है, उसको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने खूबसूरती से इस बात को बताया कि एक घर में रहते हुए एक पति पत्नी को एक दूसरे को जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हम लोग इस दुनिया में आए हैं, सबका हमारा अपना एक अलग नज़रिया तो है ही है, हमारी एक अपना पैटर्न है लिविंग का,
अगर हम एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल डालना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चले, तो वो चीज़ होती नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में बदलती है। यहीं पे अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र कर लें कि इस दुनिया में जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी अगले क्षण को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम एक पूरे जीव को जो हमारे सामने है या हमारे दूर दूर है, हम उसे कंट्रोल करने क्यों निकलते हैं? ये एटीट्यूड जब भी हम लोगों के अंदर आ जाएगा, और जितनी जल्दी हम इसे समझ जाएंगे कि इस दुनिया में हम खुद को कंट्रोल कर लें, खुद को समझ लें, यही बहुत बड़ी बात है, और किसी के ऊपर अपनी एनर्जी ना निकालें, तो हमारा गुस्सा और हमारा पेशेंस, गुस्सा तो हमारा शांत हो जाएगा, पेशेंस हमारी बढ़ जाएगी। व्यूअर्स को, आपके लिसनर्स को, आपके ऑडियंस को ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक पेड़ जितना विशालकाय होता है वो उतना ही झुक जाता है, लेकिन हमारी दुनिया में तो चार किताबें पढ़ के, दो चार तारीफें सुन के, चार दोस्तों में बैठ के हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। और हमारी जो ईगो है ना, मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी, हमारी ईगो हमें सबसे ज़्यादा मारती है, और हमारी ईगो हमें कुछ करने ही नहीं देती है, वो हमें सबसे ऊपर रखती है। अगर हम प्यार चाहते हैं, साथ चाहते हैं, तो दूसरे को समझने की शक्ति और दूसरे को सुनने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। इस दुनिया में हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, किसी को फोर्सिबली कुछ करा के हम सिर्फ अपने रिश्ते बिगाड़ते हैं। तो आज से ही अगर हम अपनी रिश्तों को एक नया नज़रिया दें, उनको समझने का, उनको सुनने का और उनको जीने का, तो हमारी दुनिया उतनी ही आसान हो जाती है।